आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा ज्यादा पढ़ा है वो। हाँ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, चलिए चल चलते। इसमें देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मेनली देखें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तीन टाइप के होते हैं, तुम लोगों को पता होगा। पहला होता है डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, सुना पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस और अदर सबस्टेंस, अदर अदर सबस्टेंस। इसमें अदर में देखोगे तो कौन कौन सा आता है, अदर में आता है हमारा फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, और आता है फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, और आता है एंटी फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरो मैग्नेटिक। एनालॉगस प्रॉपर्टीज में हम लोग ये टोटल कितने हो गए, 6 प्रॉपर्टीज जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस और अदर सबस्टेंस में है फेरीमैग्नेटिक और है फेरोमैग्नेटिक और है एंटी फेरो मैग्नेटिक। तो पहला देखते हैं इसका डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस, डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस इसको बोलते हैं। तो डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस में बोला जाता है ऐसे सबस्टेंस जिसमें ओनली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, अर्थात प्रेजेंट हो अर्थात मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू जीरो। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय, पढ़े हो ना, वही है। ठीक है, डायमैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय में देखें ऐसा सबस्टेंस जिसमें ओनली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल या सबस्टेंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम या ऐसे सबस्टेंस को क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस कहते हैं। अर्थात इसमें मैग्नेटिक मोमेंटम जिसको हम म्यू से नापते हैं, म्यू का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, म्यू का वैल्यू जीरो तो वो होगा हमारा चुंबकीय। आगे देखें तो इसमें बोला जाता है इन सबस्टांस को जब इन सबस्टेंस को जब इन सबस्टेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उनमें इंड्यूस्ड सर्कुलेशन, हाँ उनमें या उनके तो उनके इलेक्ट्रॉन में
induced circulation start किया था, circulation उत्पन्न हो जाता है। देखो क्या बोल रहे हैं, ऐसे सभी स्थान जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन पेयर अवस्था में रहते हैं उनको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और आगे बोलता है कि इन सब्सटेंस को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मतलब देखो मान लो सब्सटेंस को रखें और दूसरा मैग्नेट को लाकर उसके पास रखती है, उसके मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगर बाहर से लाकर उसको बोलते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण से उन इलेक्ट्रॉन पर मतलब उस मॉलिक्यूल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर इंड्यूस्ड सर्कुलेशन उत्पन्न हो जाता है। इंड्यूस्ड सर्कुलेशन मतलब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, मतलब म्यू का जो वैल्यू है वो बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि बाहर से उसको मैग्नेट हम लोग लगा रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब यहां पर बोल सकते हैं इन इस इंड्यूस्ड सर्कुलेशन, इस इंड्यूस्ड सर्कुलेशन के कारण से, इस इंड्यूस्ड सर्कुलेशन के कारण से सब्सटेंस सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इस इंड्यूस्ड सर्कुलेशन के कारण से सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। जनरेट मतलब उत्पन्न, जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जनरेट, ठीक है, जनरेट होता है, जनरेट हो जाता है, जिसके कारण से मैग्नेटिक मोमेंटम, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू, इज डिड नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन पर इंड्यूस्ड सर्कुलेशन उत्पन्न हो गया, इंड्यूस्ड सर्कुलेशन उत्पन्न होने के कारण से उसमें अब मैग्नेटिक करेक्टर आ जाएगा, अब मैग्नेटिक करेक्टर आने के कारण से उसमें जो मैग्नेटिक मोमेंटम जीरो हो रहा था वो अब जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होगा, तो ये हो जाएगा। आगे इसमें बोलता है कि जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट एलिस न होता है, एलिस क्या है, एलिस एलिस्ड हो, मतलब कहने का मतलब समझ में आया है। देखो जैसे ये है हमारा एग्जांपल, देखिए इसका, तो एग्जांपल हम बता रहे हैं, ये पहले कंडीशन में इसका मान लो इस प्रकार से था मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो कुछ इस प्रकार का है, मान ठीक है ये। अब इस पर जब हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे, मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लगा दिए, क्या है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा लगा दिया इसको, तो यह जो सब्सटेंस है ये क्या है हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है,
यह क्या हो जाता है, तो ऐसा लगाते ही, ऐसा लगाते ही यह ऐसा हो जाता है। अपोजिट टू क्या, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, किधर दे रहा है, एरो किधर है, आगे की ओर है, तो यह इसके अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है ये। देखो ये इधर से आ रहा है तो इधर से ये आ रहा है, मतलब उसका अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन हो, तो वही चीज बोल रहा है कि यह अपोजिट डायरेक्शन में हमको देखने को मिलता है। तो यहां पे बोल सकते हो कि यह क्या हो जाता है, अपोजिट, अपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड टू, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं, इन सम या कुछ डायमैग्नेटिक फील्ड, कुछ डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में होमो एंड लोमो एनर्जी गेप, एनर्जी गेप वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है। वेरी स्मॉल होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसका मतलब समझो, यहां तक तो समझ में आएगा डायमैग्नेटिक ऐसा सा है। अब इसमें बोलता है कि कुछ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसमें जो होमोलोमो गैप होता है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनका जो गैप होता है वह कैसा होता है, बोल रहे हैं वेरी स्मॉल होता है, छोटा होता है। छोटा होगा तो क्या होगा, आसानी से उसको एनर्जी दोगे तो वो ट्रांजिशन कर जाएगा हायर लेवल, मतलब ग्राउंड स्टेट से वह हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांसफर कर सकता है इजिली। ठीक है, तो देखें आगे खींचो इसको, हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, तो लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल में अंतर क्या है। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम है तो वह लोअर एनर्जी लेवल में रहता है, इलेक्ट्रॉन को अगर हम एनर्जी दे देंगे तो वह क्या हो जाता है, हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन कर जाता है। क्लियर है, तो ऐसे ही यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे नीचे वाला जो होता है ऑर्बिटल उसको बोलते हैं हम लोग होमो और ऊपर वाले को बोलते हैं लूमो। इसका मतलब होता है हाई मतलब हाईएस्ट, ओ मतलब ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड, एम मतलब मॉलिक्यूलर और ओ मतलब ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम बोलते हैं होमो। लूमो का देखो, लोएस्ट LOEST, लोएस्ट अनऑक्युपाइड, देखो अनऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब देखो कि इसमें कैसा बोल रहा है, लोएस्ट और हाईएस्ट जो है वह दिखाता है किसको, एनर्जी को, ये किसको दिखाता है, एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी वाला और हाईएस्ट एनर्जी वाला, समझ में आ गया। ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड, देखो ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड मतलब होता है पाया जाना, पाया जाना, किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का पाया जाना, इलेक्ट्रॉन का पाया जाना।
और अनऑक्यूपाइड है मतलब हाँ इलेक्ट्रॉन का नहीं पाया जाना, इलेक्ट्रॉन का पाया जाना और इलेक्ट्रॉन का नहीं पाया जाना। मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल तो जान रहे हो ठीक है, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वैसे ही मॉलिक्यूल्स का जो ऑर्बिटल होता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? तो इसको देखो तो हिंदी में क्या बोल सकते हो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब क्या बोल सकते हो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब क्या बोल सकते हो हायर एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन पाया जाने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? ऊपर क्या बोल सकते हो लोअर एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कौन स्टेट? ये एक्साइटेड स्टेट। तो देखो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित, कहाँ उपस्थित होगा इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे होमो पे। और यहाँ पे बोलो क्या है इसको देखो तो इनके बीच का ये होता है एनर्जी गेप, और ये एनर्जी गेप क्या होता है बोला है एनर्जी गेप वेरी, हाँ गेप जो है वेरी स्मॉल होता है। एनर्जी गेप वेरी स्मॉल होता है यहां तक, ये इतना बेस है यहां से इसका आगे। ठीक है चलो आगे इसमें देखें तो बोलता है कि होमो एंड लूमो में एनर्जी गेप स्मॉल होने के कारण, होने के कारण होमो एंड लूमो में एनर्जी गेप स्मॉल होने के कारण क्या हो जाता है, तो थर्मल एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन होमो से लूमो में आसानी से क्या कर सकते हैं ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कर सकते हैं। ठीक है, होमो से लोमो में आसानी से क्या कर सकते हैं ट्रांजिशन कर सकते हैं। जिसके कारण से तो देखो तो आसानी से ट्रांजिशन कर सकते हैं, तो देखो ये हो गया दो लेवल, ये है हमारा होमो और ये है हमारा लूमो, इस पर है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, यह क्या करेगा इस पर हम हीट देंगे थर्मल, तो ऐसे दिखाते हो हीट दिए ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर जाएगा और ट्रांजिशन करके कहां आ जाएगा यहां आ जाएगा। ठीक है, कहां आ गया लूमो में आ गया, अब लूमो में आ गया तो यह लूमो अब नहीं कहलाएगा, वो अब हो जाएगा होमो, लेकिन कौन सा होमो, ये होमो हो जाएगा। और इसको देखो इस होमो को क्या बोलेंगे और उस होमो को क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट होमो, ये होता है ग्राउंड स्टेट लूमो। ठीक है, और ये क्या होगा, ये होगा एक्साइटेड स्टेट होमो, और इसके ऊपर जो मिलेगा वो होगा एल यू एम ओ, जो मिलेगा वो होगा बोलो एक्साइटेड स्टेट लूमो। क्लियर है, ये ग्राउंड स्टेट है नॉर्मल कंडीशन है, इसको जब लिखिए तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया मतलब अगर देखो इस ऑर्बिटल को देखें हम तो बोल सकते हैं उसको हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन नाम क्या होगा उसका, तो एक्साइटेड स्टेट वाला हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर, तो ये होता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं, तो यहाँ पे इसको मान लो ई वन दे दें और इसको दे दें ई टू, इस एनर्जी लेवल को ई वन और उस एनर्जी लेवल को ई टू, तो यहां से यहां पर
जो ट्रांजिशन होता है, ये ट्रांजिशन के लिए लगभग 200 से 300 सेंटीमीटर इनवर्स पर एब्जॉर्प्शन लेता है। 200 से 300 पर एब्जॉर्प्शन हमको प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसमें आगे बोल सकते हैं हम कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, होमो से लुमो में होने के कारण, होमो से लुमो में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो ये होता है हमारा क्या, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस समझ में आया। दूसरा देखिए सर, तो दूसरा है क्या, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये क्या होता है, ऐसा बता सकते हैं, ऐसा सब्सटेंस जिसमें वन या मोर देन वन इलेक्ट्रॉन अनपेयर स्टेट में हो, अनपेयर अवस्था में होते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अनपेयर अवस्था में है, तो ऐसे सब्सटेंस पैरा मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मतलब होता है अनुचुंबकीय और पैरामैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय, सुने हो ना, हाँ, तो सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। यहां देखिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने के कारण इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण से क्या बोल सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू डिड नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इस पर म्यू का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है, जीरो नहीं होता है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल में यहाँ पे बताया जाता है कि जो यहाँ पे मॉलिक्यूल होते हैं वो इस प्रकार से बीते रहते हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, कोई भी कहीं भी कोई फिक्स सीक्वेंस जो है वो नहीं है। ठीक है,
ये क्या है, तो ये है हमारा पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, ये होता है हमारा पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इसमें आगे देखें तो इस पर आगे हम बोल सकते हैं, यदि पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस पर, यदि पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस पर एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, लगाया जाता है तो, लगाया जाता है तो क्या हो जाते हैं, तो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस का, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस का डायरेक्शन चेंज होकर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एलिज्ड हो जाता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में एलिज्ड हो जाता है। जैसे देखिए ये सब्सटेंस है, कैसा ऐसा बिखरे हुए हैं इस टाइप का, मान लो बिखरे हुए हैं, इस पर मान लो ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इसको लिख देते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए तो यह कैसा हो जाता है, तो ये एलिज हो जाते हैं ऐसा, जिस डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी के डायरेक्शन में ये हो जाते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, जिस डायरेक्शन में जा रहा है जैसे एक्स एक्सिस पर जा रहा है तो एक्स एक्सिस में हो जाता है, यहाँ पर एलिज विथ कौन सा AMF डायरेक्शन, AMF डायरेक्शन। इस कंडीशन में उनका वैल्यू ही डिड नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो यह दैट इज आल्सो इक्वल टू पॉजिटिव हो जाता है, क्या कहते हैं, म्यू का जो वैल्यू है वह पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक दोनों में अंतर समझ में आ रहे हैं। डायमैग्नेटिक में क्या होता है, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट हो जाता है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वह एलिज करता है, और पैरामैग्नेटिक में देखें तो पैरामैग्नेटिक में उसी की दिशा में, जिस दिशा में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का एरो होगा उसी दिशा में ये जो सब्सटेंस है वो क्या होते हैं, एलिज होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। हमारा क्या अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस, अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस में पहला है हम लोगों का फेरोमैग्नेटिक,
अदर फेरोमैग्नेटिक सर्विसेज तो इसमें बताते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन का स्पिन अरेंजमेंट कोई पर्टिकुलर वेस में नहीं होता है पर्टिकुलर वेस में नहीं होता है अर्थात मैग्नेटिक मूवमेंट मोमेंटम म्यू इज आल्सो इक्वल टू जीरो होता देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि यह पर्टिकुलर वे में नहीं होता है पर्टिकुलर वे में नहीं होता है मतलब देखो तो किसी के एरो कहीं पे डिस्कार एरो कहीं पे इस प्रकार से अनियमित अरेंजमेंट में होते हैं ठीक है इसलिए यहां पर हम बोलते हैं कि म्यू का जो वैल्यू है वो क्या होता है जीरो होता है ठीक है अब इसमें बोला जाता है फेरो मैग्नेटिक सबस्टेंस फेरो मैग्नेटिक सबस्टेंस पर क्रिटिकल टेम्परेचर अप्लाई कर दिया जाए फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस पर क्रिटिकल टेम्परेचर अप्लाई कर दिया जाए तो वे या तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाता है जैसे इसके एग्जांपल देखें देखो ये क्या था ऐसे अनियमित था इस प्रकार से ऐसा यह क्या होता है जब इस पर टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर देखो तो क्रिटिकल टेम्परेचर तो उसको टीसी अप्लाई करने पर यह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है मतलब ऐसा एक साइड सभी के सभी ठीक है अच्छा और इस टेम्परेचर को यहां पे लिख दो फेरो फेरो मैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए
इलेक्ट्रॉन की आर लिख लो उसको, है ना, आर मोमेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन है आर। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर को, टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, क्यूबिक टेम्परेचर कहा जाता है टेम्परेचर, और इसे टीसी से लिखा जाता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अनियमित होते हैं, म्यू इसका जीरो होता है। उसी प्रकार से हम देखें क्या होता है, अब इसका दूसरा भाई कौन सा है, फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें भी बोल सकते हैं यह भी नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, या रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल कंडीशन, या फिर कंडीशन या रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है, रूम टेम्परेचर पर अनियमित डायरेक्शन होता है, अनियमित डायरेक्शन में होता है। अर्थात क्या बोलते हैं, अर्थात मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, देखिए ये अनियमित मतलब इधर उधर ज्यादा तक पड़े रहेगा, ठीक है। अब इस पर हम क्या करते हैं, तो इस पर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर अप्लाई करने पर, हाँ क्रिटिकल टेम्परेचर अप्लाई करने पर यह अनियमित से नियमित में आ जाता है, लेकिन कुछ जो है वो कैसा होता है, सीधा होगा, तो कुछ जो है वो उल्टा हो जाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर अप्लाई करने पर क्या होता है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का अरेंजमेंट टू डिफरेंट वे में होता है, टू डिफरेंट वे में होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोला जाता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जा रहा है। यहां पर यह लिख लेना कि यहां पर भी क्रिटिकल टेम्परेचर को टीसी मतलब, टीसी मतलब क्यूबिक, क्यूरिक 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 टेम्परेचर, क्यूरिक बोले क्यूरिकल नहीं बोले, क्यूरिक टेम्परेचर कहा जाएगा। ये हो गया इसका दूसरा भाई, ठीक है। तीसरा भाई देखो क्या होता है, तीसरा भाई होता है इसका एंटी फेरो ठीक है, यह भी कैसा होता है, अनियमित होगा, ठीक है,
यह भी कैसा होता है, अनियमित होता है। अनियमित है। इस पर भी हम क्या करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर अप्लाई करने पर क्या हो जाता है, ये भी नियमित में चेंज हो जाता है। तो ये अल्टरनेट सीधा, ये देखो इस साइड क्या है, अल्टरनेट इधर एक सीधा एक उल्टा, ऐसा चेंज हो गई। ठीक है, तो यहां पे बोल सकते हैं कि एंटी फेरो, इसको यहां से लिखते हैं, यहां एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन अल्टरनेट का मतलब अपोजिट, अल्टरनेट में अरेंज हो जाता है। काम खत्म, अरेंज हो जाता है। और यहां पे भी उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, क्या बोलोगे, यहां क्रिटिकल टेम्परेचर को क्यूबिक टेम्परेचर या टीसी कहते हैं। ये हो गया तुम लोग का एनालॉगस प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम। मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोग देखते हैं किसके बेसिस पर, और लेंथ में, लेंथ मैग्नेटिक मूवमेंट देख रहे हैं लेंथ नाइन। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू जे इज इक्वल टू होता है जी अंडर रूट जे प्लस वन ये होता है इंटू बोर मैग्नेट, बी एम होता है बोर मैग्नेट, एक मात्रा का ये जिसका मैग्नेटिक मोमेंटम का बोर मैग्नेट। ठीक है, आगे इसमें देखिए, तो आगे इसमें बताया जाता है कि G का जो वैल्यू होता है दैट इज आल्सो इक्वल टू 3/2 प्लस L plus L plus 1 ये होता है डिवाइडेड बाय होता है 2J J plus 1। देखो इसमें दो फॉर्मूला आ गए, पहला तो ये है दूसरा ये, यहाँ पे ये मेन फॉर्मूला है ऊपर वाला, और वहां पे जो जी है जी का वैल्यू क्या होता है, ये होता है ये बोल रहा है। ठीक है, हाँ इसमें देखें जी जो है वो गैरोमैग्नेटिक रेशियो होता है, जी इज इक्वल देयर गैरोमैग्नेटिक रेशियो, ये होता है गैरोमैग्नेटिक रेशियो। अब यहां पे बोलता है फॉर लेस देन
हाफ फिल लेस देन हाफ फिल इज के लिए जे का जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, तो एल माइनस एस लिया जाता मोर एल प्लस माइनस एल और मोर देन हाफ फिल एंड लेस देन हाफ फिल तो मोर देन हाफ फिल मोर देन हाफ फिल मोर देन हाफ फिल के लिए जी का जो वैल्यू होता है वो होता है एल प्लस एस और परफेक्ट हाफ फिल परफेक्ट हाफ फिल के लिए जे इज इक्वल टू होता है एस के, जे इज इक्वल टू होता है एस के बराबर। ठीक है, एग्जांपल देखिए इसका, एग्जांपल एग्जांपल हम लोग देखते हैं एक लैंथेनाइट तत्व होता है हमारा पी आर, सुनो पी आर ट्रांसियन थ्री प्लस ऑक्सीलेशन स्टेट में होता है और इसके लिए देखिए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर एफ कक्षक में आता है और फोर एफ कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है प्रोनोनियम थ्री प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका लास्ट कक्षक में इलेक्ट्रॉन होता है फोर एफ पर दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लोग इसको देखने चल रहे तो फोर एफ एफ कक्षक कैसा होता है, एफ कक्षक कितना होगा सात का रहता है एक दो तीन चार पांच छह और एक हो गया सात, सात का रहता है। अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं दो, तो देखो तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ पे एन एल का जो वैल्यू है एन एल मैग्नेटिक एल लिखते हो एन एल क्वांटम नंबर पढ़े हो ना, तो उसमें एन एल लिखते थे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हाँ तो एन एल का जो वैल्यू होता है वो होता है इसमें प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस हर कक्षक के लिए ऐसा इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे आगे देखें तो यहाँ पे एल का जो वैल्यू है एल का वैल्यू ये होता है समेशन ऑफ एन एल, समेशन ऑफ एन एल मतलब जहां जितना एन एल का वैल्यू होगा वो उसमें जुड़ करके आएगा तो वो होगा उसका एल का वैल्यू। तो देखो एल इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन एल, तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है बस उसी को जोड़ना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं उसको छोड़ देना, तो बोलो कितना है प्लस थ्री प्लस ठीक है, मतलब एल का वैल्यू हो गया कितना फाइव, समझ में आ गया, चलो एल का वैल्यू हो गया फाइव। एस का वैल्यू देखो तो एस का वैल्यू कैपिटल एस कैसे निकालते हैं, एस का वैल्यू अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ, तो देखो दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ प्लस हाफ, तो एस इज आल्सो इक्वल टू बोलो क्लियर है। चल एल जे का वैल्यू निकालना है आपको, क्या निकालना है जे का वैल्यू, और जे के वैल्यू निकालने के लिए क्या बोले लेस देन हाफ फील्ड, ये ऑर्बिटल है इसमें अगर हाफ फील्ड से कम है तो एल माइनस एस फॉर्मूला लागू करेंगे, मोर देन हाफ फील्ड से ज्यादा है तो एल प्लस एस लागू करेंगे और हाफ फील्ड है तो एस लागू करेंगे। क्लियर है, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ सकता है चौदह आ सकता है, चौदह में अभी इलेक्ट्रॉन कितने हैं दो है मतलब आधे से कम, आधे से कम है और आधा रहता तो कैसे लिखते इसको ये सात को रहता तो कौन सा लागू करते इसको लागू करते। ठीक है, आधे से अधिक रहता मान लो ऐसा रहता तो हम किसको लागू करते ठीक है, और ऐसा नहीं है तो किसको लागू करेंगे एल माइनस एस, ये होगा मॉड एल माइनस एस, हल करो तो एल का वैल्यू है पांच
है ना, और एस का वैल्यू है 1, तो जे का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, समझ में? चलो जे का वैल्यू आ गया हमारा 4, क्लियर है? चलो अब इसको फॉर्मूला में रख लो, तो फॉर्मूला में रख लो, कौन सा फॉर्मूला में रखोगे? पहले तो जी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो जी वाला फॉर्मूला में देखो, जी का फॉर्मूला होता है 3/2 प्लस एस एस प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 जे जे प्लस 1, ठीक है? चलो भाग दो, यहाँ पे भाग दो, सांपु संख्या बचा दो, एस का वैल्यू बोलो तो जी इज इक्वल हो जाएगा 3/2 प्लस एस का वैल्यू 1 1 प्लस 1 माइनस 4, एल का वैल्यू कितना है, कितना है एल का वैल्यू? 5, तो 5 5 प्लस 1 हो गया 2, और जे का वैल्यू कितना है इनटू 4 4 प्लस 1 यही होगा, हल कर दो तो उसको 3/2 प्लस बोलो 1 + 1 बराबर हो गया 2, 1 + 2 माइनस 5 × 6 = 30, और इसका देखो 4 × 1 = 5 + 20 दोने 40 हो गया, आगे बढ़ दो, बोलो आगे बढ़, ये हल होगा क्या होगा, माइनस 30 में 2 गया तो क्या होगा माइनस 28/4 ठीक होगा। चलो भाग दो कितने से, 8 से, 4 से, 4 × 28 और 4 × 40 ठीक है, तो g is equal to 3/2 माइनस हो जाएगा 7/8 हो गया, क्लियर है? चलो अब देखो तो 3 को भागित कर दो 2 से, 2 × 1 = 2 बचा कितना 1.0 2 × 6 मतलब इसका वैल्यू आ गया 1.5 माइनस, इसका देखो तो 7 को भाग देते हैं 10 से, 0 क्या हो जाएगा 70, अब देखो 10 × 70 कितना है 1.5 से 0.7 घटा दो आ जाएगा इसका वैल्यू कितना है बोलो, ये हो गया 15, 15 में 7 दिया तो 7 × 14 होता है 8 × 7 = 15 होता है 8 आ गया, और ये वाला हो गया है 0, ये हो जाएगा 0, और देखो माइनस अब यहाँ पे कट गया तो कितना है 0/8, अब ये जी का वैल्यू आ गया तो जी का वैल्यू को इसमें रख देते हैं, चलो रखो म्यू जी इज इक्वल टू बोलो 0.8 अंडर रूट जे का वैल्यू, जे का वैल्यू कितना है 4 4 प्लस 1 बी एन हो गया। चलो आगे देखिए 0.8 अंडर रूट 4 × 5 = 20 हो गया, कितना आ गया 20। तो क्या आया हमारा म्यू जे का जो वैल्यू है वो कितने का आया 0.8 कर्णी या अंडर रूट 20, ठीक है? इसको हल करोगे तो इसका हल करने पर हमको मिलता है 3.5 bn, ठीक है? इसमें मल्टीप्लिसिटी देखिए, मल्टीप्लिसिटी होता है 2s + 1, 2s + 1 फॉर्मूला है मल्टीप्लिसिटी, s का वैल्यू कितना है 1 है ना, क्या करो 2 कम 2 और 1 3, तो कितना आ गया मल्टीप्लिसिटी 3, l का वैल्यू
अगर वन होता है, जीरो होता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसा अगर है तो इस कंडीशन, जीरो है तो एस पी डी एफ जी एच आई ऐसा होता है। एल का वैल्यू कितना मिल रहा है हमको, किसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पर ये आ गया ये वैल्यू, ये आ गया ये वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या होता है टर्म सिंबल का, टर्म सिंबल का फॉर्मूला, ये डिटेल में पढ़ेंगे, अभी कैसा है उसको छोड़ दो। क्या लिखते हैं हम लोग, एल लिखते हैं, उसके ऊपर में लिखते हैं टू एस प्लस वन मल्टीप्लिसिटी को, और नीचे में लिखते हैं जे को, ठीक है। एल का वैल्यू आया एच, तो एल की जगह पे लिखूंगा एच। 2s1 का वैल्यू आया है 3, तो 3 को लिखूंगा ऊपर। और j का वैल्यू लाए हैं हम लोग कहीं पे कितना, 4, तो ये हो जाएगा 4। ये होगा इसका क्या, ठीक है। तो ये है इसका मैग्नेटिक मोमेंटम, ये है इसका टर्म सिंबल। तो ये की मैग्नेटिक मोमेंटम हम इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, क्लियर। तो इस प्रकार से मैग्नेटिक मोमेंटम को डिस्प्ले किया जाता है। देखिए चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा फोर टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर MCT, क्या बोला जाता है LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। दूसरा होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, मतलब MLCT। और तीसरा होता है इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर, इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। तो देखो तो आई इंटरवैलेंस, आई वी सी टी इंटरवैलेंस बोल रहे हैं। और चौथा होता है हमारा इंट्रालिगेंड बाई स्टार चार्ज ट्रांसफर। ये चार टाइप के क्या होते हैं हमारे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम होते हैं। आगे से देखिए ऐसे साफ नहीं लिखेंगे, उसको लॉन्ग ही रख लेते हैं। किसने है पहला, कौन सा है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर इसमें, तो इसके लिए बोला जाता है इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में, इस प्रकार के चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम में लिगेंड से चार्ज का ट्रांसफर, का ट्रांसफर कहां होता है
मेटल में होता लिगेंड के चार्ज का ट्रांसफर किसमें होता है? मेटल में होता है। इस अवस्था में मेटल हाई या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है और यह कैसा होता है? तो देखो तो इक्वल टू या मोर देन प्लस टू के बराबर, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे या तो दो होगा या दो से ज्यादा होगा। देखो यह जो संख्या लिखोगे वह क्या है? बड़ा होगा किससे? आयरन से। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखें, लिगेंड पाई डोनर पाई बेस या हाँ इस अवस्था में लिगेंड पाई डोनर या पाई बेस होता है। यहां पर पाई एक्सेप्टर नहीं होगा, यहाँ पे पाई एक्सेप्टर जो है वो नहीं होगा, कभी भी वह क्या होता है? पाई एक्सेप्टर नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, तो एन प्लस रहेगा, यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां होगा? देखो ये क्या है हमारा, तो ये है हमारा मेटल और ये है हमारा क्या? लिगेंड। तो यहां से क्या होगा? तो लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन है या जो चार्ज है वह किसमें ट्रांसफर होगा? मेटल पे। ठीक है, और एन क्या है उसका? एन प्लस होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम्पल देखिए इसका, ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम बताते हैं इसके अंतर्गत आता है AnO4 माइनस CrO4 टू माइनस Cr2O7 टू माइनस TiCl6 टू माइनस और है CdS HgI। ये इसके एग्जाम्पल है, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये लोग का फर्स्ट वाला लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर इस पर कंप्लीट है।